हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फजान्स रूल। देखिए, फजान्स रूल क्या होता है। हम एक आयनिक बॉन्ड कंसीडर करते हैं, उसमें कैटायन होगा और एनायन होगा आपका। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए, कैटायन होगा और एनायन होगा। तो यहाँ पर कैटायन है और यहाँ पर एनायन है। तो होता क्या है, पहली बात होती है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होता क्या है, तो पोलराइजेशन होता है डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाई कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। मतलब स्पेशली एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफॉर्म हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं, अब यहां पर दो बातें। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब दो पोलराइजेशन में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, कैटायन होगा और एनायन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो कैटायन की क्या होगी, पोलराइजिंग पावर हो गई है, और एनायन की होगी पोलराइजिबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने पोलराइजिंग पावर को लिख रखा है पीपी। अब पोलराइजिंग पावर तीन बातों के ऊपर डिपेंड करेगी, चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्ट रिलेशन होगी, और इनवर्स रिलेशन होगा साइज ऑफ कैटायन। ओके फ्रेंड्स, और डायरेक्ट रिलेशन होगा सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अब दूसरी बात आती है एनायन की। एनायन की क्या होगी, पोलराइजिबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, क्या होगी, पोलराइजिबिलिटी को मैंने पीएस से डिनोट करा है, पीएस हो गया। अब पीएस भी तीन बातों के ऊपर डिपेंड करेगी, किस किस के बात के ऊपर, डायरेक्ट रिलेशन होगी चार्ज ऑफ एनायन, और डायरेक्ट रिलेशन होगा साइज ऑफ एनायन, और होगा एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल पॉइंट्स फेवर करेंगे पोलराइजेशन के ये, एंड दिस इज नोन एज फजान्स रूल। ओके फ्रेंड्स, दिस इज नोन एज फजान्स रूल। कि क्या होता है, अब एक टर्म आया था यहां पर सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ये टर्म था सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है, जिसके लास्ट सेल में क्या होते हैं, 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसके लास्ट सेल में क्या होते हैं, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन, और नोबल गैस कन्फिग्रेशन आपको पता ही है, जिसके लास्ट सेल में कितने होते हैं, 2, 8, 8 होते हैं। बता रहा हूं, एग्जाम्पल है मेरा, ग्रुप 1 ले लो, ग्रुप 1 ले लो। तो ग्रुप 1 में क्या हो गया, फर्स्ट ए हो गया और सेकेंड बी हो गया, सॉरी फर्स्ट ए हो गया और फर्स्ट बी हो गया। तो फर्स्ट ए में क्या हो गया, एल आई प्लस हो गया, एन ए प्लस हो गया, सोडियम प्लस हो गया, रूबीडियम प्लस हो गया, सीजियम प्लस हो गया। तो इसके लास्ट सेल में कितना है, 2, फिर 2, 8 हो गया, 2, 8, 8 हो गए। अब फर्स्ट बी की बारी हो गया, ऐसे सी यू प्लस हो गया, ए जी प्लस हो गया, ए यू प्लस हो गया। तो इनके लास्ट सेल में क्या है, 2, 8, 18 हो गए, 2, 8, 18, 18, 32 हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ग्रुप सेकंड ले रहा हूं, ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप सेकंड हो गया आपका। तो ग्रुप सेकंड में क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड ए हो गया, सेकंड बी हो गया। ओके फ्रेंड्स, सेकंड ए में क्या होता है, बेरिलियम Mg+2, Ca2+, Sr+2 और Ba+2। तो और इसमें क्या हो गया, सेकंड बी हो गया Zn+2, Cd+2, Hg+2। तो क्या हो गया, लास्ट सेल में क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 32 हो गए, 2, 8। तो यही ये सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई। ओके फ्रेंड्स, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर, स्पेशली फजान्स रूल्स टेल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। ओके फ्रेंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है फजान्स। तो हमारे पे यहां पर ये कंक्लूजन निकला कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया, डायरेक्ट रिलेशन है पोलराइजेशन के, कि जिसका जितना पोलराइजेशन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट कोमा बॉइलिंग पॉइंट कोमा सोल्यूबिलिटी इन वाटर कम हो जाएंगे। इनवर्स रिलेशन हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर के, डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन हो गया पोलराइजेशन। तो इसका मतलब ये हो गया, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी इन वाटर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं, देखिए, एक हो गया नोबल गैस कन्फिग्रेशन, एक हो गया सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये हो गया एन ए प्लस हो गया और ये सी यू प्लस टू हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इसका कम होगा, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहां पे देख लो, अगर हम सोडियम और सी यू प्लस टू में कंपेरिजन करते हैं तो क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ने से क्या हो जाएगा बेटा जी, पोलराइजिंग पावर बढ़ने से आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ओके, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या सोल्यूबिलिटी इन वाटर डिक्रीज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यहां पे मैंने एक अलग से एग्जाम्पल लिया है सोडियम फ्लोराइड,
NaCl लिया है, NaBr लिया है और NaI लिया है। तो मैं यहां पर मैंने क्या लिया है, ग्रुप का एग्जांपल लिया है, मैंने कैटायन सेम रखा है फ्रेंड्स, मैंने रखा है कैटायन सेम। ओके फ्रेंड्स, मैंने कैटायन यहां पर सेम रखा है, तो क्या हो रहा है, यहां पर एनायन का साइज बढ़ रहा है। एनायन के साइज बढ़ने से क्या होगा, साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, तो पोलेराइजिबिलिटी, पीएस को मैंने डिनोट किया है, पोलेराइजिबिलिटी बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा पोलेराइजिबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा पोलेराइजेशन होगा, पोलेराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ये, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं NaCl और CuCl, एज अभी मैंने जो आपको समझाया उसको थोड़ा और इलाबोरेट करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, NaCl और CuCl यहां पर क्या हो रहा है, शूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या हो रही है, इनक्रीज। यहां पर शूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो शूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो क्या होगा, शूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो रही है यहां पे, तो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव मतलब इंक्रीज होने से क्या होगा, हाई पोलराइजिंग पावर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हाई पोलराइजिंग पावर हो जाएगी, तो हाई पोलराइजिंग पावर होने से क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने से हाई कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रही है आपको बात पास। अब ये मेरा एक और एग्जांपल ले रहा हूं, अभी मैंने ग्रुप का एग्जांपल लिया था यहां पर, यहां सबसे नंबर वन एग्जांपल था ग्रुप का, यहां पर लिया मैंने शूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, अब मैं ले रहा हूं पीरियड का एग्जांपल। अब देखो फ्रेंड्स, ध्यान से समझना इस वाले एग्जांपल को। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है और SiCl4 है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मैंने एनायन का साइज सेम रखा है फ्रेंड्स, मैंने एनायन का साइज सेम रखा है, बट कैटायन का साइज डिफर कर रहा है, आपको दिख भी रहा होगा ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और ऑन कैटायन। अब देखो जैसे Na पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव हो गया, Mg पॉजिटिव पर Cl2 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तीन सेटिस्फाई करेगा, Al प्लस थ्री हो गया, Si ये प्लस फोर हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमने अभी ये पढ़ा है, साइज ऑफ कैटायन अगर डिक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज हो रहा है, तो साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होने से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होने से क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज हो जाएंगे। और इवन दैट AlCl3 और SiCl4 में तो इतना कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, इज टू मच, इतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आता है कि ये कंपाउंड बिकम प्योरली कोवेलेंट, तो ये कंपाउंड ही कोवेलेंट हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंपाउंड ही कोवेलेंट हो जाते हैं। तो मैंने यहां पर कवर किया है फजांस रूल, या पोलराइजेशन को ही फजांस रूल कहते हैं स्पेशली, बस बात ये है कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है इन आयनिक कंपाउंड्स पे, आयनिक कंपाउंड्स पे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।